महाशय एमएलए साहब हैं ये हमारे, और ये कहाँ के एमएलए हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ओके, एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। कि बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। ये भी देख लिया हमने, और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज है, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। और ये भाई साहब यहाँ पर दिल्ली, न्यू दिल्ली पीएम मोदी को ट्वीट कर रहे हैं इतनी दूर से। भाई साहब बहुत बढ़िया कि आपने ट्वीट करके, हम आपके आभारी हैं, आपने इतना हमारे देश के लिए सोचा। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब वो बेकार भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बैन किया, बैन करने के बाद अनबैन किया, पैसे लेके अनबैन किया क्या? ऐसे थोड़ी एक गेम बैन हुई और 8 महीने बाद अनबैन हो रही है, और कोई लल्लू बज्जू आके ट्वीट कर देगा तो उसके ट्वीट करने से कुछ हो जाएगा? भाई हर सिटी, हर कंट्री में एमएलए होते हैं, बाकी जो होगा यार सबके सामने होगा, सबके लिए होगा, मुझे नहीं लगता कि इसके ट्वीट करने से कुछ होने वाला है। मैंने नाम भी पहली बार सुना है, शायद फेमस होने के लिए ये ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, मुझे आज तक ये दिखे नहीं, पिछले एक साल से गेम बैन है, इन्होंने कभी ट्वीट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, अचानक से इनको याद आई कि पबजी दोबारा से आ रही है, तो मैं हूँ भाई बाहुबली बन के जाता हूँ आगे और बैन करवाऊंगा। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है, और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला, जो भी बोला गलत बोला, उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ, जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं, ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए, मेरा एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है, ना और कोई सहारा है मेरा, मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा, जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा, बच्चा है वो ना समझ है, उनसे गलती हो गया है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए आप लोग सब मिलके, बहुत सुबह से परेशान भी था, बहुत दुखी भी था, और दुख वाली बात भी है अभी, लेकिन मुझे नहीं पता कौन उठा के ले गया मेरे बच्चे को, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये बंदा अरेस्ट कर लिया, कानून मुताबिक कार्रवाई करा, उत्तरांचल की जिहड़ी छेड़छाड़ हुई है कोई उत्तरांचल वाले जानणगे, असीं तां सिर्फ साडा पंजाब तक मतलब है जी, ठीक है,
ਉਤਰਾਂਚਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਅਰੈਸਟ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੁਛ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮਦਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੀ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਪੁਲਿਸ? ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਤੇ ਮਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮਨਸ਼ਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸਰ? ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।